आज हम लोग कुछ इस तरीके का फ़ोटो एडिट करने वाले हैं। तो आप लोगों को भी इस तरीके का फ़ोटो एडिट करना है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को थोड़ी भी स्किप मत करना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो में जो भी PNG यूज़ किया जाएगा उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई बात ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों को पिक्सआर्ट ओपन करना पड़ेगा। पिक्सआर्ट ओपन कर लेते हैं। पहले पिक्सआर्ट ओपन, हमारा पिक्सआर्ट ओपन हो रहा है। पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद जो प्लस वाला आइकन है उसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, वो कलर बैकग्राउंड में जो सफ़ेद वाला बैकग्राउंड है उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने से बैकग्राउंड आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऐड फ़ोटो में। ऐड फ़ोटो में जाने के बाद जो हमारा मॉडल है उसका पहले वाला फ़ोटो ले लेंगे। पहले वाला फ़ोटो को लेने के बाद उसको जूम करते हुए कुछ इस तरीके से बैठा लेंगे, ऊपर से थोड़ा गैप रख के छोड़ के उसके बाद पूरा स्किन में बैठा लेंगे, थोड़ा छोड़ के। हाँ, ऊपर से थोड़ा छोड़ दिया। उसके बाद इधर से कर लेंगे डन। डन करने के बाद हम लोग जाएंगे इफेक्ट के अंदर। इफेक्ट किधर गया? हाँ, इधर है इफेक्ट। उसके बाद जाएंगे इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद हम लोग पूरा लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जाने के बाद अब लोगों को दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट वाला ऑप्शन। ब्लैक एंड वाइट में उसमें कर देंगे क्लिक। करने के बाद इधर से सिंपल से कर लेंगे डन। डन करने के बाद हम लोग जाएंगे ड्रॉ वाला ऑप्शन में। ड्रॉ वाला ऑप्शन में जाने के बाद हमारा जो पेंसिल वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे। उसका कैपेसिटी को भी 100 करेंगे, उसका हार्डनेस को भी 100 कर लेंगे। उसके बाद उसका जो साइज है उसको हम लोग कर लेंगे 55। आप लोग आपकी जैसे ज़रूरत है उससे कर लेना। उसके बाद हमारा जो मॉडल का ट्रेस है उसके ऊपर हम लोग ऐसे करके वो ब्लैक वाला कलर को घल लेंगे। हम थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से धीमे धीमे करके करना। आप लोगों का जितना टाइम लगता है आप लोग लेके करें। आप लोगों का बेस्ट इधर बेस्ट देंगे तभी आप लोगों का फ़ोटो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो जितने अच्छे से इसको आप लोग भरेंगे उतना फ़ोटो आप लोगों का देखने में सुपर होगा। इसलिए आप लोग टाइम दे के भर लेना इसको। हम थोड़ा फास्ट कर लिया। उसके बाद देख सकते हैं हम लोग लास्ट में जो थोड़ा थोड़ा बाहर निकल का है उसको हम लोग पूरा एकदम क्लीन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, हमारा फ़ोटो हो गया डन। इधर से हम लोग कर लेंगे सिंपल से डन। डन करने के बाद हम लोग जाएंगे फिर से ऐड फ़ोटो में। ऐड फ़ोटो, हाँ ये रहा ऐड फ़ोटो। हाँ ये रहा ऐड फ़ोटो। ऐड फ़ोटो में जाने के बाद हम लोग ये रोड वाला PNG को ले लेंगे। रोड वाला PNG, ब्लैक एंड वाइट वाला रोड वाला PNG को ले लेंगे। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद इसको जूम करते हुए ऐसे उसका जो ब्लाइंड वाला ऑप्शन है इस तरफ का उठाएंगे तो ब्लाइंड वाला ऑप्शन दिखेगा। उसमें क्लिक करके हम लोग इसको कर लेंगे स्किन। स्किन कर लेने के बाद हम लोग जाएंगे इरेजर वाला ऑप्शन में। इरेजर वाला ऑप्शन में क्लिक करके इरेजर वाला ऑप्शन में इरेजर वाला ऑप्शन में क्लिक करके फिर से इरेज में जाएंगे। उसका हार्डनेस को 100 कर लेते हैं। 100 करने के बाद उसका साइज़ को हम लोग 31 कर लेते हैं। 31 करने के बाद हम लोग ऐसे ऐसे करके हमारा टी शर्ट से बाहर जिधर जिधर वो निकल गया उधर उधर हम लोग इरेज कर लेंगे। हम लोग फास्ट कर लेते हैं वीडियो को। अब लोग देख के करना, नहीं तो आपका जो मॉडल है देख सकते हैं। हम थोड़ा फास्ट करने से हमारा थोड़ी बहुत निकल रहा है। अब लोग देख के करना जैसे आप लोगों का निकलना नहीं निकलना जाए। निकलने से बहुत बुरा लगता है देखने में फ़ोटो। आप लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम देके करना है ये सब। हमारा तैयार हो गया। इधर से कर लेते हैं डन। इधर से डन करने के बाद हम लोग इधर जाएंगे, इसका ऑपोसिटी को हम लोग कर लेंगे 92 कर लेते हैं। 92 करने के बाद इधर से कर लेंगे डन। डन करने के बाद हम लोग फिर से जाएंगे ऐड फ़ोटो में। ऐड फ़ोटो में जाने के बाद हमारा जो दूसरा मॉडल का दूसरा फ़ोटो है उसको ले लेंगे। दूसरा फ़ोटो को लेने के बाद उसको नीचे की तरफ लाते हुए थोड़ा जूम करेंगे, उसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद कुछ इस तरीके से बिठाएंगे जैसे लगे वो रोड में खड़ा हुआ है। उसको आप अपने हिसाब से बैठा लेना। हम हमारे हिसाब से बैठा लेते हैं कुछ इस तरीके से। हाँ, हो गया। उसके बाद उसका जो अपासिटी है उसको हम लोग कर देंगे 87, जिससे वो थोड़ा बहुत डार्कनेस उसमें भी आ जाए। उसके बाद इधर से कर लेंगे सिंपल से डन। डन करने के बाद
हम लोग जाएंगे फिर से एड फोटो में। एड फोटो पर जाने के बाद वो जो बार्ड वाला पीएनजी है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद उसको हमारा जो गर्दन है हाथ का शोल्डर के पास उधर लेके ले जाके उसको थोड़ा छोटा करेंगे। थोड़ा छोटा करते हैं उसको थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ लेके ले जाके बिठा देंगे इस तरफ से। उसके बाद उसका जो अपेसिटी है उसको हम लोग कर लेंगे 77। करने के बाद इधर से कर लेंगे सिंपल से डन। डन करने के बाद हम लोग फिर से जाएंगे ऐड फोटो में, वो बार्ड वाला पीएनजी को फिर से लेंगे। हम लोग बार्ड वाला पीएनजी को ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको पूरा घुमा देंगे, नहीं तो बार्ड उल्टा तरफ है हमारा, उसे घुमाने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा। इधर गया फ्लिप रोटेट मिल गया, उसमें क्लिक करना पड़ेगा। फ्लिप रोटेट में क्लिक करने के बाद जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना, उससे आपका जो पीएनजी है वो पूरा घूम जाएगा। उसको इस तरफ से बैठाने के बाद जो बड़ा वाला पक्षी है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ बिठाए, उसके बाद इरेजर में क्लिक करके बड़ा वाला पक्षी को छोड़ के जितना भी और बाट है उसको सबको हम लोग इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद हम लोग इधर से सिंपल से कर लेंगे डन। डन करने के बाद उसका जो ऑपेसिटी है उसको हम लोग कर लेंगे 87। करने के बाद इधर से भी कर लेंगे डन। हमारा फोटो अब हो गया तैयार, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे ड्रॉ वाला टूल में। ड्रॉ वाला टूल में जाके थ्री डॉट में क्लिक करके हम लोग पिक्चर को कर लेंगे सेव। जो लोग हमारा चैनल पे नए आए हैं वो लोग प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला आइकन भी क्लिक कर देना, जिससे आप लोगों को हमारा जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।